अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्पोर्ट फ्लोर क्रिकेट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान अदनान खलील। प्लीज़ स्टिल विद अस थ्रू आउट क्रिकेट स्पोर्ट्स रूम। हमारे साथ क्रिकेट एनालाइज करेंगे, क्रिकेट के पैनल मौजूद हैं वकार गियास और उनके साथ हैं वकास इम्तियाज़। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला जो होने जा रहा है। जी हाँ, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम वकार साहब से बात करते हैं। वकार साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम किस हद तक मजबूत है? जी, पाकिस्तान की जो टीम है वो अगर बैटिंग लाइन की तरफ से देखा जाए तो फखर रहमान जो है इंतहाई अच्छे प्लेयर हैं जी, और उसके बाद बाबर आजम जो दुनिया के नंबर वन प्लेयर हैं जी, और इसी तरह जो रिजवान जो है वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो हमारी जो टीम है बेसिकली जो बैटिंग लाइन की उसके साइड से वो टॉप जो ना 10 प्लेयर में जो ना हमारी जो बैटिंग बैट्समैन का जो लेकिन फखर साहब का तो रैंकिंग में ODI रैंकिंग में 5वां नंबर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो 2-3 वनडे हो गए उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उसके बजाय आपको क्या क्या सोच रहे हैं इसके मतलब कि फखर जमान को ही खाना चाहिए या उसके बरक्स अब्दुल्ला शफीक को ले जाना चाहिए? फखर जो जमान है ये शुरू से जो है इंडिया के खिलाफ जो है इसकी बैटिंग बहुत अच्छी चलती है, अच्छी परफॉर्म करते हैं बैटिंग में। तो यह है कि वैसे अगर इनकी जो ना वनडे की जो ODI कैरियर देखा जाए उसके मुताबिक जो ना इनकी इतनी अच्छी बैटिंग लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन यह है कि इंडिया के खिलाफ ये हमेशा से बहुत अच्छा खेला इंशाल्लाह जो अच्छा परफॉर्म। ये विकास साहब चाहिए कि बारिश के वाले से महकमा मौसमियात का श्रीलंका में क्या कहना, वहाँ पे किस तरह का जो वेदर अपडेट बता रहे हैं? मतलब प्रिडिक्ट किया जा रहा है 90% का चांसेस है, लेकिन वहाँ पर यह भी हमको ऐज है कि वहाँ पर 3 से 4 आवर्स के लिए जो है ना वो बारिश का जा रहा है। ठीक है, 2 बजे से लेके जो उनका लो करता है मैं 4, 5, 6 बजे तक, लेकिन हो भी सकती है। हाँ, हो सकता है कि इसमें वो बारिश के चांसेस जो है ना वो अभी बताए जा रहे हैं, हो सकता है 2-3 जो है ना वो 2-3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक उसका टाइम लग जाए। वो उसमें वो घर की बात है, वो दस्त किए जा सकते हैं, उसमें मजीद जो है ना वो जो DRS निज़ाम होता है उसके साथ भी उसके रफ्तार उसके चेंज क्लाइमेट चेंज हो भी सकता है, चांसेस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर फेवर उस टीम को जाएगा जो कि जी की तरफ जाएगी, बिलफर्ज अगर वहाँ पर बाहर के चांसेज हैं जो टीम चार जीत कर तो केजिंग की तरफ जाएगी, उसको बेनिफिट ये होगा कि उसके सामने पूरा रिजल्ट नजर आएगा, उसको पता होगा कि मैंने 20 ओवर है मेरे पास, 30 ओवर है, मैंने किस तरह से किस लाइन लेंथ के साथ के उनसे बैट्समैन को कहाँ पर भेजना है और कैसे कितने रन को खेल करना है। ये बड़ा यहाँ पर जीत जीत जो है ना वो बहुत बेनिफिट होगी बंदे के लिए, कैप्टन के लिए जो उसकी तरफ जाएगा केजिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपका कहने का मतलब कि जो टॉस जीतेगी टीम उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? जहाँ तक हम रियलाइज कर रहे हैं प्रेडिक्शन भी यही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सोचे केजिंग की तरफ जाएगी, क्यों वहाँ पे एक तो वेदर और दूसरा जो वहाँ पे हमेशा आप देखते हैं कि जो भी टोटल हुए हैं केजिंग की तरफ जो टीमें गई हमेशा उनको। और इंडिया के खिलाफ कौन से बॉलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए कल का जो मैच? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंकिंग में बॉलर हैं सारे, और अच्छी बैलेंस किस्म की जो है ना लॉयल रन है तालीम की, स्पेशली पेसर के हवाले से शोएब अफरीदी को देख लें आप, उसके बाद RS हमारे पास उसको देख लें, नसीम शाह लास्ट टाइम जब हमारे T20 को परफॉर्म किया तो बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग लाइन आप पाकिस्तान के पास, और RAD बहुत अच्छा, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली भी, के राहुल हो गए, बहुत प्रेशराइज गेम है उनके लिए, हमारे बॉलर पे काफ़ी उन्होंने तय किया हुआ है, वो काफ़ी टफ रहेंगे इनको। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन आप जो हमारी जा रही है इसी को हम टोटल करना चाहिए। अच्छा, तो जी विकास साहब आप बताइए कि जो विकास साहब ने जैसे बताया कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो उसे पहले फील्डिंग करनी चाहिए बॉलिंग करने के लिए, मतलब अगर वो इंडिया पहले बैटिंग करता है तो उसको कितने रन तक मौजूद रखना चाहिए कि कितने रन कर सके बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, वैसे भी आपको पता है इसके बारे में क्या कहते हैं? बात यह कि अगर हिस्ट्री के मुताबिक देखा जाए क्योंकि हम जहाँ पर कोई बात करेंगे वो तो पूरी जो हिस्ट्री को देख करेंगे, तो जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया की जो ना बैटिंग लाइन भी काफ़ी मजबूत है क्योंकि उनकी शुरू से रही है, वो खासतौर पर कप्तान के खिलाफ बहुत विराट कोहली जैसे तो वो कोशिश करेंगे कि 300+ जो है इस चीज़ को वो करें, स्कोर को जो ना लाजमी करें, अपना स्कोर करें, उसकी वजह उनको पता है कि पाकिस्तान की जो ना बॉलिंग जो ना मजबूत है, अगर उन्होंने अगर बॉलिंग मजबूत होने की वजह से उनका स्कोर कम भी हो सकता है, लेकिन जो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो ना। लेकिन हमने ये भी हमेशा देखा जो ऑर्डर जब भी
हमारी पार्टी को डिस्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो ज़्यादा सीनियर खड़ा जाते हैं। ये शहीन अफरीदी पे आके जो फर्स्ट ओवर में अगर विकेट उन्होंने ले ली तो जो ना पूरा फर्स्ट ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व। अच्छा, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि जो पिच होगी, पिच ज़्यादा किसको मतलब कार होगी, यानी कि पेसर या स्पिन? वहाँ पर वो नॉर्मल पिच ताजों पर ट्यूशन बताई जा रही है, वहाँ पर स्पिनर और पेसर के हवाले से कमी बताई जा रही है। वो जो स्पिन पेसर की कमी है वो स्पिनर्स के नस्बत ज़्यादा बेहतर है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर स्पिनर्स को इतना ज़्यादा आदमी होना जितना तो पेसर्स को। हाँ, अलबत्त अगर बारिश हो जाती है वो जो ना ओवर महदूद कर दिए जाते हैं तो फिर स्पिनर जो वहाँ पे है जो सब पहले बेसिकली जो वहाँ पे पिच जाए जिससे जितनी देखी जाए पेसर को ज़्यादा वहाँ पर जिसका तो फिर पाकिस्तान की टीम को इंतजाई जो ना वो फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पेसर जमाने सबसे बेहतरीन पेसर है दुनिया के। तो सब वो नॉर्मल पिच है, वहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा रन नहीं बने, हाईएस्ट रन जो बने हैं वो 300 के राउंड बोर्ड और जो नॉर्मल। सर आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान के कितने टोटल मैचेस हुए हैं और जो यदि कितने हुए हैं पाकिस्तान में जो ना इस ग्राउंड में टोटल 5 मैच पाकिस्तान की टीम ने खेले हैं, तो 3 मैच जो ना बैड लक हुई है, पाकिस्तान आ गया, 2 मैच जीते। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है इंडियन फेयर्स के लिए खुशखबरी की बात है कि 3 मैचेस इस ग्राउंड पे खेली है इंडियन की टीम और तीनों के तीनों मैच हुए इनके लिए। कल का दिन उनके लिए वे भी हो सकता है लकी दिन, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये स्टेडियम की तरफ अगर हम जाएँ तो फिर जाएगा पाकिस्तान की टीम है, उनके खिलाफ हम इस चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन एक होप्स हो के उसको एक चार्ज होगा, एक जो ना उनके जहन में कॉन्फिडेंस होगा कि हम इससे आ रहे थे 3 मैच जीत चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो अभी जो पाकिस्तान की प्रीवियस जो टीम थी 3-4 साल पहले या अभी वो बहुत बैलेंस टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, उस वाले से इंडिया को इतना आसान नहीं मिलता। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के जितने मैचेज हुए हैं आपको पता है हाई वोल्टेज मैच होते हैं, तो इसमें आप कितना प्रेशर देख रहे हैं? जाहिर सी बात है प्रेशर का तो मैच होता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मैं समझता हूँ कि लास्ट एशिया कप जो हुआ है उसकी नस्बत अब एशिया कप होने जा रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस है, और लास्ट T20 वर्ल्ड कप को आप देख रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान की टीम जबरदस्त किस्म का कम बैक किया इंडिया के खिलाफ, क्यों हमारी वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हुआ है ODI जो पर बहुत अच्छा पाकिस्तान ने खेला है। हाँ, लेकिन इंडिया के वाले से अगर उसका बात करें तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास गेमें होती रही हैं, आज से लास्ट एशिया कप है जिससे पहले स्टेज देख रहे हैं, अभी जो टीम है वो इतनी बैलेंस टीम है, ज़बरदस्त टीम है पाकिस्तान की, बॉक्स हो गई ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है उनका बाल हो चुका है T20 वर्ल्ड कप में लास्ट एशिया कप है, और स्पेशली बॉलर के वाले से बैट्समैन टॉप ऑर्डर जो है पाकिस्तान का वो बेहतरीन परफॉर्म है, पहले की तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर। बहुत शुक्रिया वकार साहब। वकार साहब, 100 व्यूअर्स इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक आपका मेज़बान अदनान खलील, अल्लाह हाफिज़।